नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आज मैं आपको जिंदगी की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, हम सभी के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम सभी के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से कुछ लोग बहुत ज्यादा खास होते हैं, हम में से कुछ लोगों की बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होती है, हम में से कुछ लोग किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे साइन हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे ये पता लगता है कि कैसे कुछ लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम, क्योंकि आपके दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें, मोटिवेशन लें, इसलिए हम आपको ये सीक्रेट आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं या फिर स्मार्टेस्ट इंसान हैं। दोस्तों, साइंटिस्टों ने कई सालों तक रिसर्च किया और उसके बाद अलग अलग लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद कुछ फैक्ट सामने आए हैं जिनसे प्रूव हुआ है कि ये साइन जिन भी लोगों में पाए जाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आइए जानते हैं कि वो साइन कौन कौन से हैं जिनसे ये पता लगता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खास हैं। पहला साइन, एक्स ऑन योर पाम, यानी कि आपके हथेली पर क्रॉस का चिन्ह होना, क्रॉस का निशान होना। यदि आपके हाथ में क्रॉस का निशान है दोस्तों, तो यकीन मानिए आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट के हाथ में एक्स का निशान था। वो हाथ की रेखाओं पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, यहाँ तक कि वो अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी भी हाथों की रेखाओं के आधार पर करते थे। दोस्तों, यदि आपके एक हाथ में क्रॉस का निशान है तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन यदि आपके दोनों हाथों में क्रॉस का निशान है तो यकीन मानिए दोस्तों, आप जीनियस हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट के अलावा अब्राहम लिंकन के भी हाथों में क्रॉस का निशान था। दोस्तों, यदि आपके हाथ में क्रॉस का निशान है तो यकीन मानिए आप ही वो इंसान है जिसके काम करने की क्षमता बाकियों से कहीं तेज है। हो सकता है आपको अभी इस बात का एहसास न हो, लेकिन आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि आप बाकियों से अलग हटकर हैं। दूसरा जो साइन है वो है आपकी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर का साइज। उसके लिए आपको आपकी इंडेक्स फिंगर और आपके रिंग फिंगर को मेजर करना होगा। यदि आपकी इंडेक्स फिंगर और आपके रिंग फिंगर एक जैसी है, यानी कि उनका जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल है, तो आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि को कोई बीट नहीं कर सकता। यदि आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी रिंग फिंगर से बड़ी है तो आप बहुत ज्यादा सोशल हैं। यदि आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है तो आप बहुत ज्यादा शाय नेचर के हैं। लेकिन इसमें जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वो है रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर का साइज समान होना, इक्वल होना। दोस्तों, यदि ये साइन आपके अंदर है तो आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। तीसरा जो साइन है वो है आपके रिस्ट पर पॉपअप होना। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको अपनी बेबी फिंगर को अपने थंब के साथ इस तरह मिलाना होगा और आपके हाथ को इस तरह आगे की तरफ मोड़ना होगा। यदि आपके यहाँ पर जो नर्व है वो थोड़ा ऊपर उठकर आती है, पॉपअप होता है, तो आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि कहीं ज्यादा तेज चलती है, आप मैथ्स की पजल को मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो साइन है वो है गोल्डन कलर का ब्लड। आप कहेंगे ये क्या होता है, गोल्डन कलर का ब्लड? जी हाँ, गोल्डन कलर का ब्लड। दोस्तों, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन कुछ लोगों का ब्लड का कलर गोल्डन होता है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ब्लड का एक टाइप है जो कि गोल्डन कलर होता है, जिसे हम गोल्डन कलर ब्लड कहते हैं।
ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन जिसके भी पास गोल्डन कलर है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा अलौकिक शक्ति के लोग होते हैं।